हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल MI टेक्निकल में। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल, यानी कि फ्रिज कैसे कार्य करती है, चाहे वो AC हो चाहे फ्रिज हो, यानी उसमें गैस कैसे कैसे घूमती है और कैसे कैसे उसमें क्या क्या बदलाव आता है, तो उसी के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि फ्रिज या AC में या फिर कोई भी उपकरण जो ठंडा करने का कार्य करता है उसमें कैसे करती है। तो इसी को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देख रहे, चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसको हम जानेंगे फ्रिज कैसे कार्य करती है, यानी AC हो चाहे फ्रिज हो, हर वो मशीन जो ठंडा करने का कार्य करती है उसमें ये प्रक्रिया होती है और वो कैसे कार्य करती है उसी के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, टोटल इसमें जो होते हैं 5 पार्ट होते हैं, 5 भाग होते हैं जो कार्य करते हैं। तो 5 भाग में जो सबसे नंबर 1 का हमारा भाग है, सबसे पहला भाग हमारा जिसका नाम होता है कंप्रेसर। ये कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर जो फ्रिज में प्रयोग किया जाता है वहाँ पे, ये तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। कंप्रेसर के प्रकार के पीछे वीडियो बन चुकी है, ये कंप्रेसर होता है और कंप्रेसर का कार्य होता है गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना, यानी कि गैस को देखिए सक्शन लाइन से खींचकर डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से ये बाहर करता है। यानी कि जैसे जब इस कंप्रेसर मोटर को ऑन कर देते हैं ना, जब हम इस मोटर को चालू कर देते हैं तो ये गैस को एक पाइप से खींचता है, ये इसकी एक पाइप है और यहाँ से यह गैस को खींचता है, तो ये कहते हैं सक्शन लाइन। ये इसकी पाइप जो है ना, हमने देखे यहाँ पे बना के लिखे हुए कि ये है सक्शन लाइन। तो सक्शन लाइन से क्या करता है, हवा को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से हवा को फेंकता है। जैसा कि पीछे बता चुके हैं, कंप्रेसर का कार्य होता है गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना। तो ये कंप्रेसर का कार्य, ये गैस को सक्शन लाइन से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है। तीसरी लाइन जो चार्जिंग लाइन होती है वो बंद होती है इसकी, इसका कार्य जब गैस या ऑयल चार्ज करते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद जब कंप्रेसर गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है तो गैस निकल करके जाती है और जाती है कंडेंसर में। कंडेंसर ये लगा होता है इसका, इसमें जो कंडेंसर प्रयोग किया जाता है फ्रिज में, फ्रिज का कंडेंसर होता है वायर मेस कंडेंसर। वायर मेस कंडेंसर ये लोहे का बना होता है और इस कंडेंसर में देखिए जब डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के जाती है ना, इन पाइपों के सहायता से इस तरह से गैस जाती है और जब गैस निकल के जाती है कंडेंसर में पूरा, तो कंडेंसर क्या करता है, गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में, यानी कि भाप को पानी बनाता है। यानी कंडेंसर का कार्य गैस को यानी रेफ्रिजरेंट को घुमा घुमा कर ठंडा कर देता है और ठंडा करके वेपर से द्रव में यानी कि भाप से पानी बना देता है। तो यहाँ से जब कंडेंसर देखिए, यहाँ पे जहाँ तक हमने चित्र बनाया रेड कलर से मतलब समझिए, यहाँ पर जो जाती है वो रेफ्रिजरेंट जाती है, वो गर्म अवस्था में होती है तो भाप के रूप में होती है, लेकिन वही भाप जब घूमते घूमते ठंडी हो जाती है ना तो पानी के रूप में हो जाती है। और जब कंडेंसर नीचे, मतलब समझिए कि कंडेंसर में जब जो सबसे ज़्यादा ऊपर की पाइप होती है वो ज़्यादा गर्म होती है और जितना नीचे आते हैं उतना कम गर्म होती है, यानी जो ऊपर की पाइप है वो ज़्यादा गर्म होती है और जितना नीचे आते हैं उतना कम गर्म होती है। ये फ्रिज का कंडेंसर है, इसलिए इसमें वायर मेस कंडेंसर प्रयोग किया जाता है, ये लोहे का बना। AC वगैरह में कापर की बने होते हैं, इसमें ये लोहे का बना होता है। तो कंडेंसर जब गैस को वेपर से द्रव में यानी भाप को पानी बना देगा ना, तो पानी निकल करके जाता है यहाँ से, ये जो इसका अगला पार्ट है जिसका नाम है फिल्टर, तो यहाँ पे लिखे हैं ड्रायर फिल्टर। जो फ्रिज में प्रयोग होने वाला फिल्टर है वो ड्रायर फिल्टर होता है और ये बना होता है कापर का, और इसका कार्य ये होता है कि ये जो यहाँ से रेफ्रिजरेंट जाता है, जो गैस जाती है, जो पानी द्रव रूप में परिवर्तित होकर जाता है, ये उसको छानता है, छानकर शुद्ध करता है। शुद्ध करने का मतलब इसके अंदर जाली लगी होती है जो छानने का कार्य करती है और इसमें सिलिकॉन की गोलियां भी अंदर भरी होती हैं जो इसके नमी को अवशोषित करने का कार्य करती है। नमी का मतलब क्या हुआ कि अगर थोड़ी बहुत बाहरी हवा जो है अगर इसमें चली जाए और किसी कारण से अगर वो नमी चली जाए अंदर, तो जो फ्रियान गैस है, जो इसमें ठंडा करने वाली गैस, अगर वो गैस जाएगी तो पहले वाली गैस को क्या करेगी, वो कि इतना ठंडा कर देगी, पहले वाली गैस बर्फ़ के रूप में बन जाएगी। बर्फ़ के रूप में बन जाएगी तो क्या होगा कि कहीं पर पाइप जाम हो सकती है, और फिल्टर के तुरंत बाद एक पतली सी पाइप लगती है जिसका नाम होता है कैपिलरी ट्यूब। तो ये जो पतली सी पाइप है वो तुरंत जाम हो जाएगी, जल्दी जाम, थोड़ा सा भी उसमें कचरा गया तो वो जाम हो जाएगी, जिससे गैस का बहाव रुक जाएगा, और गैस का बहाव अगर रुक गया तो पूरी फ्रिज जो चाहे AC हो वो ठंडा नहीं करेगी। तो ये हमारा फिल्टर जो उसको छान कर शुद्ध करता है, यानी जो भी कचरा वगैरह जाने वाला होता है तो इसमें छान करके शुद्ध करके ही आगे भेजता है। तो फिल्टर जब छान कर शुद्ध करता है तो उसके बाद जाती गैस, ये जो देखिए ऐसे घुमा घुमा के बनाए ना, इसका नाम होता है एक पाइप है जिसका नाम होता है कैपिलरी ट्यूब। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कैपिलरी ट्यूब। ये कैपिलरी ट्यूब क्या होता है कि कैपिलरी ट्यूब का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, यानी गैस के प्रेशर को कंट्रोल करना। यानी कि जब यहाँ से गैस निकल करके जाती है ना वही द्रव रूप में, तो उस गैस को ये क्या करता है, इसको घुमा घुमा के देखिए, इसलिए बनाया गया क्योंकि इसकी देखिए लंबाई जो होती है वो 8 से 12 फीट होती है। फ्रिज की बात हो रही है कि इसकी लंबाई 8 से 12 फीट होती है, जबकि इसका व्यास जो होता है वो 0.22 या फिर 0.23 mm होता है, 0.22 mm या फिर 0.23 mm होता है इस कैपिलरी का व्यास, यानी इसकी मोटाई।
जो हमारा लगभग पेन होता है ना, पेन जो कलम होती है ना, उसका सिक्का जितना मोटा होता है उतना मोटा होता है ये। और इसके देखिए ब्याज, इसकी जो लंबाई है 8 से 12 फीट है, जबकि आप जानते हैं पूरे फ्रिज की लंबाई 4 फीट 5 फीट 6 फीट होती है। तो जो भी इसकी जो लंबाई है वो फ्रिज से भी अधिक कैपिलरी ट्यूब की लंबाई होने के कारण क्या होता है, इसकी कैपिलरी ट्यूब की पाइप को मोड़ मोड़ के कम जगह में ज़्यादा दूरी को एडजस्ट किया जाता है। जैसे कि अगर कोई भी कमरा हो, अगर छोटा सा कमरा है और उसमें अगर 100 मीटर 200 मीटर का तार रखना है तो उसको सीधा नहीं रखा जा सकता बिना उसको मोड़े हुए। तो इस प्रकार से कैपिलरी ट्यूब को भी रखा जाता है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह को मोड़ करके और ज़्यादा दूरी को एक जगह पर इकट्ठा करके कवर करके और इस प्रकार से इसको लगाया जाता है। दूरी को घटाया भी जा सकता है, लेकिन अगर दूरी आप घटा देते हैं तो जो ये ठंडा करने की क्रिया है उसमें कुछ डिफरेंस आ जाएगा, कुछ बदलाव आ जाएगा। जो है ये प्रेशर को कंट्रोल करने का काम है ये पूरी तरह से नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको दूरी को भी घटाना नहीं चाहिए। और जितना बड़ा कैपिलरी ट्यूब लगा है उतनी बड़ी लगानी चाहिए, यानी इसकी लंबाई जो 8 से 12 फीट है तो उतनी लंबी कैपिलरी ट्यूब लगानी चाहिए, यानी मिनिमम यानी कम से कम 8 फीट और ज़्यादा से ज़्यादा 12 फीट के बीच में इसकी कैपिलरी ट्यूब लगानी चाहिए। और इसके बाद कैपिलरी ट्यूब जब प्रेशर को कंट्रोल करके आगे गैस को भेजता है तो गैस पहुँचती है एवापोरेटर में। जो फ्रिज में एवापोरेटर प्रयोग किया जाता है उस एवापोरेटर का नाम होता है क्वाइल टाइप एवापोरेटर या फिर वेयर ट्यूब टाइप एवापोरेटर या फिर प्लेट टाइप एवापोरेटर। क्वाइल टाइप एवापोरेटर, वेयर ट्यूब टाइप एवापोरेटर, ये दोनों एवापोरेटर एक ही होते हैं, जबकि प्लेट टाइप एवापोरेटर अलग होता है। इससे पहले एवापोरेटर की वीडियो में बताया गया था कि एवापोरेटर कैसे होते हैं। तो जो क्वाइल टाइप एवापोरेटर होते हैं उसमें ये जो पाइपें होती है वो बाहर से दिखाई देती है, जिसको हम अलग से छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जबकि प्लेट टाइप एवापोरेटर में एक प्लेट के अंदर पाइपें होती हैं जिसको हम छू नहीं सकते। तो जब ये कैपिलरी ट्यूब से गैस निकल करके जाती है तो कैपिलरी ट्यूब के गैस निकल के यहां से एवापोरेटर पहुंचती है। एवापोरेटर क्या करता है, ऐसे गैस एवापोरेटर में पूरी तरह से घूमती है। और एवापोरेटर का कार्य होता है कि किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को अपनी तरफ खींचकर और वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव, मतलब ठंडक का प्रभाव छोड़ देता है, जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। यानी कि एवापोरेटर का कार्य किसी वस्तु, मतलब किसी सामान या किसी स्थान यानी कि किसी जगह की गर्मी को अपनी तरफ खींच लेता है, यानी जहां पर यह लगा होता है वहां की गर्मी को अपनी तरफ खींचता है और वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव, मतलब ठंडक का प्रभाव छोड़ देता है। और जब अपना ठंडक का प्रभाव छोड़ देता है तो वहां पे रखा हुआ वस्तु या स्थान जो है वो ठंडी हो जाती है। तो एवापोरेटर इस तरह से कार्य करता है। उसके बाद एवापोरेटर से गैस निकल करके फिर से आती है सक्शन लाइन में, और सक्शन लाइन से फिर गैस निकल करके जाती है डिस्चार्ज लाइन में, और डिस्चार्ज लाइन से फिर कंडेंसर में, कंडेंसर गैस को वेपर से द्रव में बदलता है, फिर उसको छानकर शुद्ध करता है, कैपिलरी ट्यूब प्रेशर को कंट्रोल करती है और एवापोरेटर ठंडा करता है। और जैसे कंडेंसर गैस को वेपर से द्रव यानी भाप को पानी बनाता है, उसी तरह से एवापोरेटर जो उसी पानी को फिर से भाप बना देता है। क्यों? क्योंकि जैसे कंडेंसर है, कंडेंसर को क्या है,